हाय स्टूडेंट, GIT का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं MS ऑफिस के बारे में, और MS ऑफिस के साथ साथ हम लोग जानने वाले हैं MS वर्ड के बारे में। तो चलिए हम लोग जानते हैं पहले MS ऑफिस होता क्या है, कौन सा यह पैकेज है, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाता है, तब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे MS वर्ड के बारे में। तो देखो, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया क्या है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको क्लियर होगा ये जो मैं सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया इसका क्या मतलब है। तो मैंने आपको अभी तक सॉफ्टवेयर में जो सॉफ्टवेयर हमने पढ़ाया था, याद है आपको? ठीक है, उसमें हमने आपको सॉफ्टवेयर के मैंने मुख्य रूप से दो टाइप्स पढ़ाया था। एक हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ाया था, ठीक है, और दूसरा हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोलो। तो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने लगभग 2-4-10 दिन से केवल सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में ही पढ़ रहे थे। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जब भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की जाती है तो सबसे ज्यादा नाम आता है तो वह आता है MS ऑफिस का। किसका आता है जी? MS ऑफिस का, या आता है फोटोशॉप का। क्या आता है जी? फोटोशॉप का, ठीक है, या आप लोग बहुत सारे और आ जाएंगे, टैली का, ये बीजी का, ये सारे जो हमारे दिख रहे हैं ना, ये सभी हमारे एक सॉफ्टवेयर है। और कौन से सॉफ्टवेयर है हमारे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब जरूरत के अनुसार हम लोग इन्हीं एप्लीकेशनों सॉफ्टवेयरों का इस्तेमाल करते हैं। कभी जरूरत पड़ता है तो MS ऑफिस का इस्तेमाल करते हैं, कभी जरूरत पड़ता है तो फोटोशॉप का, कभी टैली का, कभी बीजी का। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है? यह यूजर की इच्छाओं को पूरा करता है, जरूरतों को पूरा करता है, जो यूजर करना चाहता है। ठीक है, अब यूजर क्या करना चाहता है उसी के हिसाब से वह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चूज करता है। ठीक है, जैसे ऑफिस से रिलेटेड कोई काम करना है तो MS ऑफिस, फोटो ऑटो एडिटिंग करना है तो फोटोशॉप, अकाउंटिंग करना है तो टैली, अकाउंटिंग करना है तो डीजी। तो ऐसे जहां जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होता है वैसा वैसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग लोड करते हैं और कंप्यूटर भी इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, वह है MS ऑफिस। क्या है बाबू? MS ऑफिस। तो सबसे पहले मैं बता दूं, MS ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हर जगह छाया हुआ है पूरी दुनिया में। समझ जाओ, ऐसा मत समझना केवल हमारे। जी बताइए। कि MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और हर जगह, समझ जाओ, हर एक कंट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर, इसको डिजाइनिंग किया गया, ऐसा बनाया गया है कि हर एक ऑफिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोई भी ऑफिस हो। ठीक है, अब चाहे वो स्कूल से रिलेटेड हो, या किसी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हो, ठीक है, या कोई फर्म से रिलेटेड हो, या किसी कंपनी से रिलेटेड हो, मतलब कोई भी ऑफिशियल वर्क हम लोग को करना है और कंप्यूटर के माध्यम से करना है, तो समझ जाओ सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होता है वह होता है MS ऑफिस का। और बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हर एक कंट्री के लोग करते हैं। ठीक है, और यह जो सॉफ्टवेयर है USA का सॉफ्टवेयर है। कहाँ का सॉफ्टवेयर है? USA का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। ठीक है, और ध्यान देना इसके फाउंडर कौन है, बोलो। तो ध्यान देना, ये जो MS ऑफिस है ना, ये जो MS ऑफिस है, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया। ठीक है, इसके मालिक कौन है? बिल गेट्स। नाम सुने उनका? ठीक है, मतलब अगर वो ना अपना सॉफ्टवेयर सर्विस दे तो कंप्यूटर हम लोग चला नहीं पाएंगे सही से। ठीक है, तो समझ जाओ उसके जो मालिक है, ठीक है, जो विंडो के, इसके, बिल गेट्स। अब ध्यान देना, यह ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है जिससे ऑफिस के सारे वर्क किए जा सकते हैं, मतलब ऑफिस में जितने वर्क होते हैं वो सारे वर्क किए जा सकते हैं। अब चाहे किसी लेटर लिखने से संबंधित हो, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करने से संबंधित हो, कोई बुक तैयार करने से संबंधित हो, सैलरी शीट बनाना हो, परचेज सेल का मेंटेनेंस करने हो, स्टॉक मेंटेन करने हैं, ठीक है, या आपको कोई PPT बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, या किसी को मेल करना है, मतलब सारे सर्विसेज भी दे दिए गए। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है MS ऑफिस एक
एक बहुत बड़ा सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पैकेज है। अब इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मैंने लिखा है एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस आउटलुक, एमएस एक्सेस, ठीक है, ये सभी एमएस ऑफिस के पैकेज है। तो हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है। वही मैंने एक टॉपिक लिखवाया है एमएस वर्ड, वही मैंने एक टॉपिक लिखवाया है एमएस वर्ड, और उसके बारे में मैंने थोड़ा सा दो चार लाइन लिखवाया भी है, ठीक है। तो अगर कोई पूछता है एमएस ऑफिस क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे कि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा सा पैकेज है, ठीक है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया है, डिजाइन किया गया है, क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया, डिजाइन किया गया है, और इसका इस्तेमाल सोचा कहाँ पे किया जाता है, ऑफिस के कार्यों के लिए किया जाता है। कौन बोला है सर? वो कहाँ जाएगी हमारी सिस्टर? हाँ इसे रहेंगे, उसमें रेगुलर आया ना। हेलो, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये क्लियर है सबको? अब चलो ध्यान दो। अब हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ने वाले, किसके बारे में, इनके पैकेज के बारे में। तो अब क्या डिस्कस करें, मैं लिखवा भी दिया हूँ। इसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं एमएस वर्ड। क्या पढ़ने वाले हैं जी? एमएस वर्ड। तो मैंने बताया आपको कि एमएस वर्ड को केवल वर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अगर कोई आपसे पूछे कि क्या पढ़ाया जा रहा है, तो आप वर्ड भी बोल सकते हो, एमएस वर्ड भी बोल सकते हो, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोल सकते हो, क्लियर है। हाँ, लेकिन कभी वर्ड पैड मत बोलना। वर्ड पैड एक अलग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और एमएस वर्ड एक अलग सॉफ्टवेयर है, और वर्ड पैड, ठीक है, तो अलग सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान देना, इस एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी बोल सकते हैं, वर्ड भी बोल सकते हैं, या सिंपल शब्दों में बोल सकते हैं एमएस वर्ड, ठीक है। तो क्लियर है सबको? हाँ, इस सॉफ्टवेयर को किस सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है? इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वर्ड प्रोसेसर। मतलब वर्ड प्रोसेसर का मतलब यह है कि एक प्रकार का यह ऐसा सॉफ्टवेयर है। ध्यान देना, यह एक प्रकार का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, कोई बुक तैयार कर सकते हैं, कोई रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, और उसको एक जगह से दूसरे जगह शेयर भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो चलो, हाँ, एक पॉइंट और मैंने लिखवाया है कि एमएस वर्ड को रन बॉक्स से ओपन करने के लिए हमको टाइप करना होगा बिन वर्ड। क्या टाइप करना होगा? बिन वर्ड। हाँ, कई लोग यह समझ लेते हैं कि सर हमको पढ़ा रहे हैं बिन वर्ड, और मैक्सिमम लोग यही आंसर देते हैं कि बाबू क्या पढ़ाया जा रहा है, सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको। तो ज्यादातर लड़के जवाब देते हैं सर बिन वर्ड। क्यों? क्योंकि उनकी आदत बन जाती है कि विंडो पर स्टार दबाते हैं और टाइप करते हैं बिन वर्ड, और टाइप हो जाता है और ओपन हो जाता है। तो जब भी कोई पूछता है तो बताते हैं सर बिन वर्ड पढ़ रहे हैं। देखो, बिनोड एक तरीका है एमएस वर्ड को ओपन करने का, बिनोड कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एक कोड है रन कमांड से एमएस वर्ड को ओपन करने का, मतलब यही कोड बनाया गया है। एक जैसा नोट पैड के लिए नोट पैड बनाया गया था, वर्ड पैड के लिए वर्ड पैड बनाया गया था, एमएस पेंट के लिए एमएस पेंट बनाया गया था, वैसे एमएस वर्ड के लिए बिनोड बनाया गया है। लेकिन अगर कोई पूछे क्या पढ़ाया जा रहा है, तो कभी जवाब मत देना सर बिनोड पढ़ाया जा रहा है, जवाब देना सर एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं या वर्ड पढ़ रहे हैं। वर्ड पढ़ोगे कहोगे तो भी समझ जाएगा एमएस वर्ड की बात की जा रही है, और अगर वर्ड ना कह के एमएस वर्ड कहते हो तो भी समझ जाएगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करते हो तो भी समझ जाएगा। लेकिन किसी से कह दो केवल बिन वर्ड, तो थोड़ा बहुत जो पढ़े वो समझ जाएंगे,
ये क्या बातें कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है। लेकिन अगर मान लो वो एमएस वर्ड के बारे में जानता है और अभी तक बिलोवर से नहीं खोला है तो परेशान हो जाएगा, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है। तो कभी आप जवाब मत दीजिएगा कि सर हमको पढ़ाते हैं बिनवर्ड। हाँ बताइएगा, बिनवर्ड एक तरीका है किसको ओपन करने का। जी एमएस वर्ड को ओपन करने का, क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैंने नेक्स्ट और भी कुछ लिखवाया है कि एमएस वर्ड को ठीक है जब हम लोग ओपन करते हैं उसका बाय डिफॉल्ट जो फाइल नेम होता है क्या होता है जी, फाइल नेम सो रहा हो ना आप लोग, जो पहले से बाय डिफॉल्ट होता है वह होता है क्या, डॉक्यूमेंट वन, ठीक है। और जो फॉन्ट साइज होता है क्या होता है, 11। और फॉन्ट नेम क्या होता है, कैलिब्री, पढ़ाया था ना हमने जी, तो इसको ज्यादा समझाना नहीं है। चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं और इसके इंटरफेस को देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो हम दबाते हैं विंडो प्लस आर, और यहां पे देखो टाइप करेंगे बिन वर्ड, गलती मत करना आप लोग, स्पेलिंग गलती नहीं होना चाहिए, बिन वर्ड इंटर। देखो लिखा ना वर्ड, देखो यहाँ लिखा ना वर्ड, ठीक है। तो ध्यान देना, तो जैसे हम लोग यहाँ पे एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है, मतलब कुछ बने बने टेम्पलेट मिलते हैं। देखो पर ऐसा लेना चाहते हो, बना बना मिल जाएगा कि ऐसा लेना चाहते हो, दिख रहा है, मतलब रेडीमेड मिल जाएंगे हमको। तो रेडीमेड पे अभी शुरू में हमको काम नहीं करना है, चाहेंगे तो कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट का दिया, अच्छा दिया, इतने ऑप्शन दिए गए हैं, देखो ऐसे ऐसे बना सकते हो पहले से। तो चलिए पहले तो हम सोच रहे हैं सर अभी बाद में आएंगे आपके पास, ठीक है, अभी तो ब्लैंक में हम काम करना चाहते हैं इसलिए हम आएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, दिख रहा है आप लोग को, ठीक है। मतलब इसका भी इस्तेमाल करेंगे लेकिन आगे करेंगे, आते हैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, तो ऐसा ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस हमारा आएगा। और यह इंटरफेस आप लोग जानते हो कि किसको क्या कहते हैं, बोलो। मैंने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था कि ऊपर वाला जो पट्टी से क्या बोलेंगे, टाइटल बार। और देखो टाइटल बार में बटन दिख रहे हैं और देखो डॉक्यूमेंट वन दिख रहा है, याद है आपको ना। चलिए यह जो तीन बटन दिख रहा है इसे क्या बोलेंगे जी, क्यूक एक्सेस टूल बार, ये भी पता है आप लोग को। और होम इंसर्ट इसे क्या कहेंगे, मेनू बार, ये भी बताना नहीं हमको। और जो क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इसे क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलते हैं इसे, क्लिप बोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप। और इसके अंदर क्या है, सब क्या है, ऑप्शन है, ठीक है बाबू। इन्हीं सब का हम लोग क्या करते हैं, यहां से इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो देखो सबसे पहला ही ग्रुप दिया गया, कौन सा ग्रुप, क्लिप बोर्ड ग्रुप। तो याद करो अभी तक हम लोग जो क्लिप बोर्ड पढ़े थे तो उसमें तीन ऑप्शन देता था, क्या क्या देता था, कट, कॉपी और पेस्ट। लेकिन देखो एक ऑप्शन तो बढ़ गया, फॉर्मेट पेंटर, बोलो। तो आप बताइए कट कॉपी पेस्ट फिर से पढ़ाना पड़ेगा क्या आप लोग, नहीं आप लोग जानते हो, तो जो नया ऑप्शन उसको सीखेंगे, सीखने वाले फॉर्मेट पेंटर। तो लिख लीजिए इसका शॉर्टकट की भी होता है, कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट सी, और पेस्ट फॉर्मेटिंग के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट वी। मतलब फॉर्मेटिंग को कॉपी करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे, और उसी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट वी दबाएंगे। कॉपी फॉर्मेटिंग कंट्रोल शिफ्ट सी, और पेस्ट फॉर्मेटिंग कंट्रोल शिफ्ट वी। भी नहीं भी, चलो आज सॉफ्टवेयर के पहले दिन आ गई स्टाफ। लिख लिए बाबू, क्या होता है समझिए,
सबसे पहले तो हमें कुछ बनाना पड़ेगा इसमें, तो चलो मैं कुछ बना रहा हूं और ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि इस पे समझेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे दिया सबसे पहले कंप्यूटर, हेडिंग दिया क्या, कंप्यूटर फंडामेंटल। अब मैं यहाँ पे आता हूं और आने के बाद से इसको थोड़ा सा आप साइज बड़ा छोटा करना जानते ही हो आप लोग, सेम वही ऑप्शन दिया है तो हम लोग इंक्रीज फॉन्ट साइज कर लेते हैं, शॉर्टकट की भी वही है, बताना नहीं ज्यादा। तो आते हैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और मान लो यहाँ पे आने के बाद से कंप्यूटर फंडामेंटल में हमको क्या क्या पढ़ाना है, तो मैं कुछ मेंशन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आता हूँ और इसके सामने तो हमको लिखना नहीं है, या चलो कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ाना है, सेकेंड हमको पढ़ाना है ऑपरेटिंग सिस्टम, देख लो तुम लोग क्या क्या पढ़ोगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद से, एमएस ऑफिस, और नेक्स्ट उसके बाद से हम पढ़ेंगे इंटरनेट, उसके बाद से हिंदी टाइपिंग, ठीक है, उसके बाद से पढ़ेंगे टैली। क्लियर है? अब मान लो देखो मैंने यह टॉपिक लिख दिया, या डीएफए वाले का टॉपिक है, यहां तक पढ़ाया जाएगा डीएफए में। चलिए तो सपोज मैं क्या पढ़ा दिया आपको, कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ा दिया, सेकेंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा दिया, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, एमएस ऑफिस। उसके बाद से डीएफए वालों का तीन टॉपिक और बचेगा, इंटरनेट, हिंदी टाइपिंग और टैली। चलिए ध्यान देना आप लोग, तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल को सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड किया मतलब क्या, मोटा हो गया थोड़ा, शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी, याद है आपको ना। अब सेलेक्ट करने के बाद से मैंने क्या किया, इसको कलर भी कर दिया, ठीक है, और देखो ऐसा कुछ आ गया। अब देखो इसमें जो फॉर्मेटिंग किया है हमने, सेम यही फॉर्मेटिंग अगर मुझे टैली वाले में करना है या हिंदी टाइपिंग में करना है, तो बताओ क्या करना होगा हमको, हिंदी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, बोल्ड करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा, फिर से हमको एमएस ऑफिस को करना है, एमएस ऑफिस को सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, कलर करेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि जब सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग दूसरे किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो बार बार ये प्रोसेस करने के बजाय हम एक बार में कोई ऐसा तरीका जान लेते जिससे फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेते, उस कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। जैसे ध्यान देना, मीन्स अगर कोई इसका हमने फॉर्मेटिंग किया है, सेम ऐसा फॉर्मेटिंग दूसरे पे भी अप्लाई करना है, तो जितना टाइम इस पे लगा था फॉर्मेटिंग करने में, सेम उतना ही टाइम इस पे भी लगेगा। इस काम से बचने के लिए, टाइम हमारा बचे, उसके लिए दिया है फॉर्मेट पेंटर। मतलब फॉर्मेट पेंटर कहता है कि जो भी आप फॉर्मेटिंग किए हो और सेम दूसरे टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हो, तो वहां पे आप मेरा इस्तेमाल करना, मैं सेम फॉर्मेटिंग उस पे अप्लाई कर दूंगा जिस पे आप करना चाहते हो, जिसको आप सेलेक्ट करोगे। मतलब टेक्स्ट तो वही रहेगा, टेक्स्ट तो वही रहेगा, फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा वहां पे, चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने शर्ट कोई पहना है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, बोला कि नहीं मुझे भी सेम ऐसा ही शर्ट पहनना है, एक दो तरीका निकाल के देंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। एक तरीका मैं बता दूंगा, बाबू यहाँ पे जाना खरीद लेना और यहाँ पे जाकर सिलवा लेना, ठीक है, तो प्रोसेस लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहता कोई बात नहीं, ऐसा जैसा किया गया सेम ऐसा करना है, तो बस आप इसको एक बार सेलेक्ट कर लो, बता दो मुझे ऐसा ही इस पे चाहिए, ऐसा ही इस पे चाहिए, तो जहां जहां क्लिक कर देंगे वहां वहां ऐसा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। और ऐसा बार बार होता है जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो ठीक है, मतलब सोच रहे हेडिंग एक जैसा सारा फॉर्मेटिंग हो, समझे ना, टाइटल एक जैसा फॉर्मेटिंग हो, सब टाइटल एक जैसा फॉर्मेटिंग हो, तो वहां पे ऑप्शन बहुत यूजफुल है और यहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अब कैसे करते हैं, चलिए मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। तो चलो मैं थोड़ा सा अंडू करता हूँ,
देखो मैं आ जाता हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेम ऐसा ही फॉर्मेटिंग हमको इन दोनों पे करना है। तो मैं आऊंगा यहाँ पे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगा, क्या कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद से देखो यहाँ पे ब्रश आ गया है, तुम्हारा कहाँ कहाँ पेंट करना बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या करना है, बस हिंदी टाइपिंग को करना है। तो क्लिक करेंगे और क्लिक करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। हुआ जी, चलो अब मैं सोच रहा हूँ ऐसा फॉर्मेटिंग जो है ना इसको करना है, गलती से हमने इसको कर दिया है तो कौन हटाएगा, क्या क्या लगाया पता नहीं चल रहा हमको। ठीक है, कितना बार लगाया हूं, कौन बार बार करेगा उससे अच्छा क्या करो, इसको क्लिक कर दो और लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, समझे। मतलब जिसको सेलेक्ट करोगे शुरुआत में उसी के जैसा, जिसको बाद में सेलेक्ट करोगे फॉर्मेट पेंटर के बाद वह ऐसा हो जाएगा। ये तो ऑप्शन से मैंने बताया ना आपको। चलो अब शॉर्टकट की से बता देता हूं आपको। अब मैं यहां पे आता हूं, इसको सेलेक्ट करता हूं और दबाता हूं कंट्रोल शिफ्ट सी, और जहां पे लगाना है चलो इन दोनों पे लगाना है, कंट्रोल शिफ्ट भी। हो जाएगा बाबू, कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बहुत सिंपल है। हाँ एक तरीका मैं और आपको बताता हूं, लेकिन जब भी हम अप्लाई कर रहे हैं ना तो देख रहे हो आप लोग, जब हम अप्लाई कर रहे हैं और क्लिक कर दे रहे हैं और एक पे अप्लाई कर दे रहे हैं फिर से दूसरे पे करने जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है। हम सोच रहे कुछ ऐसा तरीका अपना लेते, एक बार इसको सेलेक्ट कर लेते और जहां जहां हमको फॉर्मेटिंग करना वहां वहां कर लेते। ठीक है, तो ऐसा भी संभव है। कैसे, इसको क्लिक करिए और इसी पे डबल क्लिक कर दो। जब डबल क्लिक कर दोगे तो समझ जाएगा कर अब रुक जाओ, तुम यहीं पे जाना नहीं है कहीं, आपकी जरूरत है बस, अब जाके जहां जहां अप्लाई करना अप्लाई करते रहो। अभी रुका है, अगर और करना है बताओ कहाँ कहाँ पेंटिंग करना है, मतलब नहीं सर नहीं करना हटा देते। क्लियर है, कर ले जाओगे। चलिए मान लीजिए हमको कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कुछ लिखना भी है, तो मैं इंटर बटन दबाया और दबाने के बाद कुछ लिखना है तो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास टाइम ऐसा नहीं है कि मैं बकायदे से इसके बारे में लिखूं। ठीक है, जब नोट्स रहेगा तो लिखूंगा। तो अगर मैं प्रैक्टिकली करना चाहता हूं, टाइम बचाना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एमएस वर्ड में ऐसा सर्विस दिया जाता है कि आप रेंडम टेक्स्ट ले सकते हो। क्या ले सकते हो, रेंडम टेक्स्ट ले सकते हो। रेंडम टेक्स्ट का मतलब रेडीमेड टेक्स्ट, बना बनाया टेक्स्ट, लिखा लिखा टेक्स्ट, जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं बिना बताए। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, तो देखो अगर हमको रेंडम टेक्स्ट लेना है, इसके रूल रूल है इसके लिए कि आप लगाइए इक्वल इक्वल रेंड के टाइप करना होगा, इक्वल रेंड। अब ब्रेकेट को करना है ओपन, क्या करना है ओपन, और कर देना है ब्रेकेट को बंद। जब इक्वल करेंगे रैंड करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और जब इंटर बटन दबाएंगे तो देखो लिखा लिखा रैंडम टेक्स्ट इतना आ गया। चलो लेकिन ये भी हेडिंग भी हमारा कलरफुल, ये भी कलरफुल, तो थोड़ा सा हम इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं, बोल्ड हटा देता, कलर को हमने कर दिया ब्लैक, और इतना ज्यादा हमको डाटा नहीं चाहिए, यहां से लेके यहां तक डिलीट कर देंगे, ये भी नहीं चाहिए। समझे, मतलब इस किस लिए बताया हूं, जब आपके पास कोई नोट्स नहीं है, ठीक है, आप सही वाला जो नोट्स जो बना रहे हो आपको वैसे लिख रहे हो टाइप कर रहे हो तो वहां पे आप इसका इस्तेमाल करके ला सकते हो, लेकिन आपको लिखना है सही सही तब तब इससे काम नहीं चलेगा। अब ऐसा तो नहीं आपके मन की बात जानता है यार कि लिखना है कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, वही आ जाएगा या रेंडम कुछ इसके डिक्शनरी में पहले से लाइब्रेरी में क्या होता है सेव होता है, तो वही जब भी हम लिख देते हैं इक्वल रैंड तो लिख के आ जाता है, लिखा लिखा आ जाता है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं अपने हिसाब से लेके आए तो अपने हिसाब से नहीं लेके आ पाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है सबको, चलो
अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा और समझाते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। इक्वल करते हैं और रैंड करते हैं, थोड़ा कलर हटा देते हैं ऑटोमेटिक। देखो मैं इक्वल किया और रैंड किया, तो देखो जब ब्रेकेट ओपन करते हैं और जब ब्रेकेट बंद करते हैं और इंटर दबाते हैं, तो देख लो यहाँ पे कितने पैराग्राफ ओपन हुए हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। मतलब जब ब्रेकेट ओपन करके ब्रेकेट बंद करते तो 5 पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट आ जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो तरीका है कि अपने आप कितना आता है, मतलब कितना आता है पैराग्राफ, 5। लेकिन मैं सोच रहा हूँ सर मैं अपने हिसाब से लाना चाहता हूँ, इतना क्या होगा, तो परेशान नहीं होना है आपको इस ब्रेकेट के अंदर, ठीक है। जब ब्रेकेट आप ओपन कर रहे हो इसके अंदर मैं चाहता हूं 2 पैराग्राफ बस आए, तो हम टाइप कर देंगे 2। क्या टाइप कर देंगे? 2। तो जितना टाइप करेंगे उतना ही पैराग्राफ आएगा, देख लो 1, 2, दिख रहा है? मुझे इतना भी नहीं चाहिए सर, मुझे तो और कम चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, यहां पे 1 चाहिए और, इक्वल रैंड ब्रेकेट ओपन 1 ब्रेकेट बंद बस। हाँ ये जो पैराग्राफ इसमें लाइन भी कम चाहिए, तो बहुत समझदार है, जितना समझाए उतना समझेगा ये। इक्वल रैंड ब्रेकेट ओपन 1 पैराग्राफ कामा, उसमें एक ही सेंटेंस हमारा होना चाहिए। समझे? क्लियर है? तो मैंने पूरा यहीं पे बता दिया, ठीक है। ध्यान देना, आप लोग परेशान मत होना, क्योंकि बाद में फिर से सिखाता टिप्स एंड ट्रिक्स में, तो आज ही सिंपल सा बता दिया। देखो इक्वल करेंगे, क्या टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, तो कितना पैराग्राफ आएगा, 5। अगर इक्वल रैंड करते हैं ब्रैकेट ओपन करके और 1 लिख देते हैं, तो कितना पैराग्राफ आएगा, 1। अगर इक्वल कर देते हैं और रैंड टाइप कर देते हैं, और एंड टाइप करने के बाद अगर 1, 1 कर देते तो क्या मतलब है, 1 हमारा पैराग्राफ मतलब 1 सेंटेंस जो भी ये लाइन आ जाता है। कितना चाहते हैं, क्लियर है? कर ले जाएंगे इसका इस्तेमाल, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्लिपबोर्ड में एक ऑप्शन नया था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इस पे कुछ बताना नहीं है। हाँ फॉन्ट ग्रुप में मैं मैक्सिमम पढ़ा चुका हूँ, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। हाँ अंडरलाइन में थोड़ा सा पढ़ना हमको, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में अंडरलाइन क्या बताया था, सिंगल अंडरलाइन कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन करना नहीं बताया था। लेकिन देखो इसमें डबल अंडरलाइन भी किया जा सकता है अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे। तो कैसे, तो सेलेक्ट करेंगे और देखो यही ऑप्शन दिया अंडरलाइन, ठीक है, शॉर्टकट की सेम है, बस यहाँ पे नीचे आएंगे, देखो डबल अंडरलाइन का भी ऑप्शन दिया है, दिख रहा है? अगर ऐसा अंडरलाइन लाइन लगाना तो क्या करोगे, डॉटेड कर सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, इसमें कोई अच्छा नहीं लग रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं, मोर अंडरलाइन। अब यहाँ पे साइज छोटा बड़ा देखो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ऐसे लगाना है, ठीक है। उसके बाद से कलर क्या चाहिए, ब्लैक चाहिए, तो आप अपने हिसाब से इसको ऐड कर सकते हो, जाएगा, कर ले जाओगे। चलो इसके लिए शॉर्टकट की भी होता है, नोट कर ले, मैं कंट्रोल शिफ्ट डी। कंट्रोल शिफ्ट डी डबल अंडरलाइन, और सिंगल के लिए जानते ही हो आप लोग, हो गया बाबू। अरे यहां पर देखो दिया अंडरलाइन कलर, कलर चेंज हो रहा है, तो केवल पार्टिकुलर अंडरलाइन का कलर चेंज करना, तो यहीं पे नीचे ऑप्शन दिया है, ब्लैक चाहिए, हो जाएगा ना बाबू। तो इसमें से यह ऑप्शन नया हमको दिख रहा था तो मैंने बताया,
अब कौन सा? ये सब वो ऐसा ही है। हाँ, इसमें एक नया ऑप्शन है, वह है हमारा चेंज केस। क्या है बाबू? चेंज केस। हाँ लिख लेना, इसके लिए भी शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस, शिफ्ट प्लस F3। चेंज केस, शिफ्ट प्लस F3। क्लियर है? चलिए, यह होता क्या है समझने की कोशिश करना। तो मैंने आपको केस के बारे में बताया था, अल्फाबेट में कितने केस, तो अपर केस और लोअर केस। तो जब हम कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो देखो अभी तक कितना मेहनत हम लोग को करना पड़ता था। अगर कैपिटल लिख दिया और हमको स्मॉल लिखना होता था, तो क्या करना होगा? पूरा डिलीट करना होगा, और डिलीट करके फिर से क्या लिखना होगा, कैपिटल में या स्मॉल में। ठीक है, अगर मान लो पूरा कैपिटल में लिख दिया, अगर सेंटेंस केस में लिखना है, तो फिर से हमको डिलीट डिलीट करके सेंटेंस केस में लिखना होगा। लेकिन एमएस वर्ड में ऐसी बातें नहीं है, मतलब आप पूरा स्मॉल में लिख दिए हो, कोई टेंशन नहीं, चाहोगे जब चाहोगे पूरे को कैपिटल कर सकते हो, बिना मिटाए बिना डिलीट। अगर आप सेंटेंस केस में कर दिए हो, पूरा लोअर केस में करना है, उसको भी ऑटोमेटिक किया जा सकता है। पर इसमें प्लस पॉइंट यह है कि कोई डॉक्यूमेंट बनाने के बाद अगर कोई कहता नहीं यार यार मैं भूल गया था, सब हमको कैपिटल ही लिखना था, ये सब हमको स्मॉल में लिखना था, या सेंटेंस केस में ये मैटर बनाना था, तो उसके लिए आप बार बार परेशान होते हो, डिलीट करते हो, फिर से मैटर लिखते हो, फिर से डिलीट करते हो, फिर से मैटर लिखते हो। लेकिन ऐसी बातें नहीं है इसमें। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मुझे जो लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल, और एक बार मैं सारा इस्तेमाल कर देना चाहता हूँ, तो आ जाऊंगा चेंज केस पे। तो देखो यार, सारे ऑप्शन दिए गए हैं, हम कर देते लोअर केस। तो लोअर केस मतलब क्या? सारा इस्तेमाल में आ जाए। अब कोई जरूरी कि पार्टिकुलर किसी वर्ड पे होगा, आप चाहोगे तो देखो मैंने ये लिखा है, इस पे पूरे पे कर सकते हैं। देखो ये सेंटेंस केस में है, मैं कर देता हूं अपर केस, पूरा कैपिटल में आ जाए एक बार में। ठीक है, मुझे कैपिटल में लिख दिया गलती से, हमको सेंटेंस केस में करना है, कर दिया सेंटेंस केस, तो देखो सेंटेंस केस में आ जाए। मतलब जितना सेलेक्टेड किए रहेंगे उतने पे काम करेगा। ये छूट गया था, देखो यह ऐसे बड़ा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तीनों क्लियर है, सेंटेंस केस, लोअर केस और अपर केस। अगला है कैपिटलाइज ईच वर्ड, बोला हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करना चाहते हो, ऐसा भी आता है, वो लिखते हैं बार बार, तो ऐसे क्लिक कर दो, ये लिखा है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, और लास्ट है टूगल केस। टूगल केस मतलब उल्टा केस, बोला उल्टा केस मतलब जो इस्तेमाल में होगा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल हो गया इस्तेमाल में हो जाएगा। क्या समझे? मतलब उल्टा काम करेगा, जैसे मान लो ये कैपिटल है, स्मॉल हो जाएगा, और जो ये स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि किस किस केस में किस केस में पहला लेटर स्मॉल लेटर में दिखाई देता है, तो बताना क्या? साइकिल केस नहीं, टूगल केस। क्या? टूगल केस। आपको तो यह कैसा, मान लो कभी भी लिखते हैं ना, तो पहला जब वर्ड लिखेंगे कुछ भी, तो पहला कैपिटल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन हम इसी को टूगल केस करेंगे, तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, सेलेक्ट करो, और सेलेक्ट करने बाद से आ जाते हैं कहाँ पे, चेंज केस पे और टूगल केस। तो देखो क्या हुआ, पहला कैपिटल और पहला स्मॉल और पूरा कैपिटल, जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा केस है जिसमें पहला लेटर स्मॉल लेटर में होता है, तो बताना टूगल केस। लेकिन अगर कोई पूछे नहीं टूगल केस करेंगे तो होता क्या है, बताना सर, जो इस्तेमाल में होगा कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल होगा वह इस्तेमाल में हो जाएगा। क्लियर है आपको? सर शॉर्टकट के इस्तेमाल कैसे करोगे? हाँ, शॉर्टकट की में तीन ही काम करता है, कौन कौन सा? अपर, लोअर और सेंटेंस केस, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करता है। देखो शिफ्ट प्लस F3 दबाता हूं, सेंटेंस केस शिफ्ट प्लस F3, अपर केस शिफ्ट प्लस F3, लोअर केस फिर से शिफ्ट प्लस F3, सेंटेंस केस, अपर केस, लोअर केस। मतलब जब शिफ्ट प्लस F3 बटन दबाएंगे तो तीन ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए तीन काम करता है। ठीक है, मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा उतना वर्ड जिसपे आपको काम करना है, हो जाएगा। यही ऑप्शन दिया चेंज केस। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोग पूरा यहां से लेके यहां तक रिवाइज कर लेना। हाँ, इसमें एक नया ऑप्शन दिया है, यह दिया है टैक्स इफेक्ट, और दूसरा दिया क्लियर फॉर्मेटिंग। तो ये मैं अगले क्लास में डिस्कस करूंगा, जो आपको लग रहा है सेम है वो सब रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है।
तो आज यहां से लेकर और यहां तक आप लोग कर लीजिएगा इन दोनों को छोड़ के, टैक्स इफेक्ट और क्लियर फॉर्मेटिंग।